सर एटीएल लाइव में आपका स्वागत है। महागठबंधन में आपने आपको 9 सीटें मिली हैं 40 सीटों में, आखिर कांग्रेस ने इतना कॉम्प्रोमाइज क्यों किया, वजह क्या है? ऐसा है कि आज के दिन जो बिहार का सेटअप है हो गया है दुर्भाग्यवश, कांग्रेस पार्टी में जो पदाधिकारी लोग बनाए गए हैं उनके चलते इतनी कांग्रेस की तैयारी इस बार जितनी अच्छी हो गई थी पूरे स्टेट में, लोगों को बीच में कांग्रेस पार्टी का जनाधार बन गया था, लोग तैयार हो गए थे पिछले 3 स्टेट में विजय प्राप्त करने के कारण, उसका भी कुछ प्रभाव पड़ा और यहाँ लोगों ने जोर शोर से लोगों के बीच जाकर अपना प्रचार प्रसार किया जिसके कारण, और मोदी सरकार से ऊब कर उसके जुमलेबाजी से ऊब कर कांग्रेस की ओर मुखातिब हो गए थे। लेकिन अब क्या कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि महागठबंधन करके और गठबंधन करने के चक्कर में ये जो है दशा हो गया है कांग्रेस का। इस बीच में कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश प्रसाद सिंह को बना दिया अभियान समिति का अध्यक्ष, वर्चुअली कांग्रेस का संस्कार उनको है नहीं, कांग्रेस में अभी नए आए हैं, उनका पुराना इतिहास कुछ दूसरे तरह का है और पुराने संस्कार को भूल नहीं पाए हैं, वर्चुअली राजद का वो एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, और अपने मन से ही कभी कुछ इतने सीट लेंगे उतने सीट लेंगे इतना से कम पर नहीं लड़ेंगे, जबकि अभियान समिति के अध्यक्ष का काम है प्रचार प्रसार करना, उनका काम नहीं है, ये काम है आला कमान का कि कंप्रोमाइज करेगा नहीं करेगा क्या करेगा, ये आला कमान का काम है ना, अधिकार उसके उसके क्षेत्र का है, लेकिन ये अपने मन से कुछ बोलते रहता है। और यही नहीं बल्कि दूसरे पार्टी के छोटे छोटे पार्टियों को मिलाकर एक ग्रुप बनाकर पार्टी को बेच जो टिकट बेचने के स्थिति में है सब, जैसे आप इसका देख लीजिए कुशवाहा का 9 करोड़ तो इतना लाख, वो अपने सकारा भी इतना रुपया लिए टिकट बेचने के लिए, उसमें मल्लाह एगो आ गया उसका अभी रहने का जगह नहीं है, सन्नौ मल्लाह करके उसको 3 सीट दे दिया, एक पंचायत का मेंबर वो नहीं है, कोई चुनाव नहीं लड़ा है और उसको नेता बना दिया और उसको मान लिया, चुनाव तक नहीं लड़ा है सन ऑफ मल्लाह ने, उसे 3 सीट दिया गया, मांझी जी को 3 सीट दिया गया, आखिर क्यों आप लोग को 9 सीट दिया गया, इतना मतलब कम में सिमट दिया गया आप लोगों को, आखिर कुछ तो पार्टी नेतृत्व में भी कुछ तो खामियां होगी, पार्टी नेतृत्व के खामियां के चलते ही ऐसा हुआ है ना, पार्टी नेतृत्व जो है आला कमान जो है अध्यक्ष बनाते समय समझ नहीं पाते हैं ना, उसका ठीक से एग्जामिन कर पाते हैं कि ये किस तरह का आदमी है इसका इतिहास क्या है, जैसे हमारे अभी मदन झा हो गए हैं प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन उनका काम जो है जब पिताजी उनके थे मंत्री तो उस समय भी काम था उनको कान में बतिया कर कुछ लेना देना और कुछ काम था नहीं, और जिस तरह से भी हो अध्यक्ष आज बन गए मुँह से बोली निकलता नहीं है, बोल नहीं सकते हैं, उनका बोलता है अखिलेश सिंह जिसका काम नहीं है ये, सीट सेलिंग भी होता है तो आपके अध्यक्ष नहीं दिखते हैं, तेजस्वी दिखते हैं, कभी ये उनके प्रवक्ता दिखते हैं, लेकिन आपके यहाँ से मदन मोहन झा नहीं होते, क्यों आखिर उनको क्यों नहीं बैठा है? इसलिए कि वो बैठा दिया मैनेज करके अपना जो है एरवी पैरवी करके दिल्ली में ये अध्यक्ष बन गया है, लेकिन बोलने के लिए तो उसको अपने बोलना पड़ेगा ना, ये शक्ति उसमें है नहीं, शुरू से ही इस टाइप का कभी काम किया नहीं कि सामने जाकर किसी से बात कर सके, वैसे को अध्यक्ष बना दिया, ये पार्टी का दुर्भाग्य है जिसके कारण ही पार्टी इस स्थिति में आ गया, और पार्टी को कंप्रोमाइज करने की जरूरत कहाँ था, गठबंधन करने क्या है उसको 40 सीट पर लड़ना चाहिए, जितने हमारे नेता लोग और दूसरे दल से भी आए जो उम्मीदवार लोग थे सब सक्षम है लड़ने में, अच्छा रिजल्ट होता, लेकिन उन लोगों को अब जैसे मिथिलांचल जहाँ से वो मदन झा आता है एक भी मैथिल को टिकट नहीं मिला, मिथिला साफ राजपूतों का जो चित्तौड़गढ़ कहा जाता था जो खानदानी 1952 से सत्येंद्र सिंह का परिवार लड़ते आया, निखिल कुमार को टिकट नहीं देकर वो छीट दे दिया इसको क्या कहते हैं माझी को, माझी कोनो नेता है, माझी नेता नहीं है,
वो गया और बाराचट्टी छोड़कर कहीं गया नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। लेकिन बिल्ली के भाग से सिंघर टूट जाए, जो कहानी आप सुने मुहावरा सुने हैं ना, उसी तरह एक बार मुख्यमंत्री बन गया तो मुख्यमंत्री बना दिया इसका माने कि नेता हो गया, ऐसा नहीं है। और उसके आने से पार्टी को टिकट मिल जाए, वोट मिल जाएगा उस जात का, ये भी नहीं है। विधानसभा में भी आप लोग का परफॉर्मेंस अच्छा था, सीटें आप लोगों ने अच्छा लाया था, लेकिन उसके बावजूद भी आपको और आगे बढ़ना चाहिए था। आखिर जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं डैमेज करने में पार्टी को लगी हुई है। नेतृत्व क्या, उसी तरह का बना दिया है ना, और इस सबको हटाना चाहिए। हम अनुरोध भी कर रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं आपके माध्यम से भी, जो खबर उनको राहुल जी से अनुरोध कर रहे हैं कि इससे इस्तीफा लेकर अगर राजपूतों का वोट लेना है इस चुनाव में, जिस तरह से बेइज्जत किया है, अपमानित किया है निखिल कुमार को, उस सीट को, सब सीट को दे दिया है, राजपूतों का जितना सीट है सब दे दिया है, जब दूसरे दल के लोग राजपूतों को काफ़ी टिकट दिया, कांग्रेस में दिया नहीं, तो वोट आएगा कहाँ से, क्यों देगा? माझी को, माझी बीजेपी जो है अपना सीट बहुत ले जीतने का प्लानिंग बहुत अच्छे ढंग से वो कर रहा है, वो छोटे छोटे दल के लोगों को एडवांस कर रहा है पहले ही कि तुम किसी तरह टिकट ले लो, और वहाँ तीनों सीट उभारेगा, तीनों जगह जदयू और बीजेपी जीतेगा। जो स्थिति है उसको 15 करोड़ रुपया की जरूरत था, जैसा लोग बताया, इसलिए वो, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, टिकट बंटवारा के पहले बीजेपी के लोग उसका पक्ष में स्टेटमेंट देते थे, मंगल पांडे तो ये नंदकिशोर यादव को उनको अपमानित किया जा रहा है, माझी को अपमानित किया जा रहा है, अरे तुम्हारे साथ आने तो अपमानित क्या किया जा रहा है। आरजेडी भी कहने में कांग्रेस को इग्नोर कर रही है, आरजेडी का आज नहीं कर रही है, शुरू से उसका काम यही है, कांग्रेस को समाप्त करके ही तो आरजेडी आज आरजेडी बना है। सीताराम केसरी के समय से पार्टी बर्बाद जो होना शुरू हुआ लालू प्रसाद से साठगांठ करके, आज होते जा रहा है। कांग्रेस समझ क्यों नहीं पा रहा है? आज नहीं, 1999 में हम सोनिया गांधी जी को लिखे थे कि लालू प्रसाद के साथ गठबंधन करना मतलब आत्महत्या करना है कांग्रेस पार्टी के लिए, और ये एक इतिहास का अनहोनी घटना है, इसका पैदाइश राजनीति में इतिहास का एक अनहोनी घटना है जो देश को पूरा लंबे समय तक झेलना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है, चिट्ठी लिखा हुआ है। आने वाला लोकसभा जो चुनाव है, यानी उसमें सुसाइडल अटेम्प्ट कांग्रेस कर रही है जानबूझकर? वो एकदम कर लिया, क्योंकि जिस तरीके से ये 9 सीट के क्या कोई बाने नहीं है, अब ये भीख मांगते चल रहा है, कांग्रेस पार्टी भीख मांगेगा? आपको क्या लगता है कांग्रेस को क्या स्टैंड लेना चाहिए? एकदम अभी भी जो है सब, जो बाकी सीट बचा सब पर खड़ा करना चाहिए और लड़ना चाहिए, क्योंकि आज भी सीट से नहीं, 9 को 8 से क्या होने को है, पूरा क्षेत्र खाली है, तिरुपुर मंडल में 1 सीट नहीं है, सारणपुर मंडल में 1 सीट नहीं है, दरभंगा में 1 सीट नहीं है, मैथिल का 1 वोट नहीं, उधर नॉर्थ बिहार में खाली है, इधर साउथ में मुस्लिम को एगो कैंडिडेट नहीं है साउथ बिहार में, इसको ज्ञान है कि नहीं है? अब पूरे देश को देख रहे हैं राहुल जी, ठीक है, लेकिन उनके एडवाइजर जो ये जो है ये सब तो बहुत गड़बड़ है। कास्ट को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है कांग्रेस में, क्या लग रहा है उस पे सक्सेस हो पाएंगे आप लोग? नहीं, क्या कैसे होंगे? हम कह रहे हैं कि अभी तक 7-8 को टिकट दे दिया बीजेपी ने राजपूतों को, 4-5 अपने कोटा में रख लिया, राजपूतों वाला सीट आरजेडी, कांग्रेस दिया नहीं तो कहाँ से देगा? एक वो दिया है वो जो बाहर से आया, बीजेपी से आया है अभी उदय पूनिया, तो एक वो दिया, वो नेता नहीं है ना पार्टी का, जात का कोई नेता नहीं है, देना था तो निखिल कुमार को देता, जो उस सीट को दे ये कर दिया, इसी के साथ साथ दूसरे जात को भी इग्नोर कर दिया, यानी जानबूझकर आपको कमजोर करने, नहीं कमजोर करेगा तब ना मजबूत बनेगा, आई बात समझता क्यों नहीं है? तो इसलिए नहीं समझता है, दूसरा है कि कोई इसका भविष्य कुछ है अंधकारमय है कांग्रेस का, अगर ये स्थिति रहा तो असेंबली में कहाँ से आएगा, असेंबली में फिर इसको सीट कहाँ से देगा, कहेगा कि 9 को सीट आपको मिला, वहाँ जाएगा कैंडिडेट होगा वो आप खड़ा कीजिए, बाकी पर हम खड़ा करेंगे, इसका नुकसान विधानसभा में पड़ेगा, एकदम पड़ेगा। अगर कांग्रेस को जीवित करना है, कांग्रेस को खड़ा करना है, तो इसको पूरे सीट पर लड़ना चाहिए,
और जितना 9 सीट मिला है ना, अगर पूरे सीट पर लड़ेगा तो ये 20 सीट से ज्यादा जीतेगा, लेकिन लड़ावे तब तो केंद्रीय नेतृत्व को अखिलेश सिंह और मदन मोहन झा के खिलाफ कुछ अपने तरफ से हम लिख के भेज भी रहे हैं, कह रहे हैं कि इन लोगों को इससे इस्तीफा लो, जो मुंह से बोली नहीं निकलता है इस्तीफा लो, और चूंकि अपमानित किया है निखिल कुमार को तुम, और उनको अध्यक्ष बनाओ अगर इस चुनाव में वोट लेना है तो राजपूतों का, और अखिलेश कुमार सिंह को अभी हटाओ, उसके जगह पर बनाना है तो अनिल शर्मा को बना दे अभियान समिति का। क्योंकि तुरंत बाद विधानसभा है, आपकी पहले सीटें विधानसभा काफी अच्छी सीटें हैं, तो वो तो आगे चलकर आपके भविष्य को तो खतरा होगा। भविष्य का खतरा है ही, ये तो सामने हम देख रहे हैं ना, विधानसभा जब इसी में फिर मायूस हो जाएगा, वर्कर भाग जाएगा तो फिर लौटेगा कहाँ, लौटेगा नहीं। इसलिए हम अनुरोध करते हैं ऐसे कि जितने भी पदाधिकारी और जितने भी हमारे नेता हैं सीनियर, जो सीनियर नेता हैं वे जो लड़ने के लिए तैयार हैं, उनको अगर न भी पार्टी लड़ाता है तो उनको लड़ना चाहिए अपना क्षेत्र बचाने के लिए, अपने वर्कर को बचाने के लिए, कि दूसरे जगह भाग नहीं जाए, पार्टी छोड़कर एकदम लड़ना चाहिए अगर उनको अपने पॉलिटिक्स में सर्वाइव करना है, तब नहीं करेंगे तो फिर उनका वर्कर तो दूसरे को वोट देगा, नहीं दूसरे के गाड़ी पर चढ़ जाएगा तो फिर उससे उतरना मुश्किल होता है। चुनाव में कोई घर पर बैठा नहीं रहेगा, उसको पकड़ के दूसरा ले जाएगा, दूसरे गाड़ी पर चढ़ जाएगा, दूसरा वोट मांगने लगेगा दूसरे के पति का, तो आपका रह कहाँ से जाएगा। जिस तरह से घर से पत्नी निकल गई एक बार तो लौटाना मुश्किल होता है, वही है वर्कर। वर्कर अगर चला गया तो फिर लौटना मुश्किल है। तेजस्वी का जो है अभी बैलेंस गड़बड़ाया हुआ है, इसलिए कि उसको एक जो लालू प्रसाद जो करते थे उसका ही नकल कर रहा है, और दूसरा है अपना तुलना जो है वो राहुल गांधी और दूसरे लीडरों से कर रहा है कि हम भी वही हो गए, इसलिए कि हर जगह बुला लिया जाता है, इसलिए कि लालू प्रसाद नहीं है स्टेज पर खड़ा होकर हाथ उठवा देता है तो पूछता है कि हम भी इनके बराबर हो गए। इस सोच में वो अपना बैलेंस गड़बड़ा गया है और किसी को इज्जत नहीं कर रहा है, मुझे ना जो मन में आया है करते जा रहा है, जिद पर हरा हुआ रहता है, घर का हालात ऐसा आप देख ही रहे हैं। हाँ प्रताप का भी जो है वो तो अपना उसका व्यक्तिगत अपना घर का है जो करे, लेकिन ये स्थिति ठीक नहीं है उसका, क्योंकि अभी तो शुरुआत किया है, जिंदगी उसका लंबा है तो उसको आगे भविष्य उसका ठीक नहीं रहेगा अगर ये स्थिति रहा तो। और रह गया पार्टी में जितने भी उनके नेता हैं, जैसे सदिकी से लेकर कुछ दिन पहले जो आया खबर, पहले मंत्री बनने के लिए और टिकट लेने के लिए कोई अपना घर बेच दिया, कोई जमीन दे दिया, वो स्थिति है वहाँ, और उसके साथ समझौता करने के लिए कांग्रेस इतना करके अपने आप को बर्बाद कर रहा है, क्यों ये नहीं समझ पा रहे हैं हम। बार बार कहने के बाद ये करना ठीक नहीं है, करने के पहले भी कहा 1999 से, सोनिया गांधी जी को भी लिखा था कि RJD से करना समझौता मतलब आत्महत्या करना है कांग्रेस पार्टी को, ये नहीं करना चाहिए, और ये एक अनहोनी घटना है। उसमें ये भी चेतावनी दिया था कि अगर ये समझौता हुआ तो जिस तरह से UP में मायावती एक अलग पार्टी बनाई है, उसी तरह से उसी तरह का ध्रुवीकरण यहाँ भी दलितों का होगा, एक पार्टी बनेगा, और उसी के 2 साल के बाद रामविलास पार्टी भी बनाया, ये सब लिख के हम भेजे हुए हैं। आपके आग्रह के बाद अगर केंद्रीय नेतृत्व नहीं उठाती है तो क्या आगे लोग क्या कहेंगे, करना क्या है, सब लोग फ्री है, जो जब समझ नहीं है न उठाएगा ऐसा हमको नहीं लगता है। दिक्कत क्या हो गया कि जो स्टेट का जो लीडर जिसको बना दिया उस पर भरोसा कर रहा है, ये सब जो है पार्टी को बेच रहा है, किसी को कुछ कहकर वहाँ जाके गलत कहता है, रिपोर्ट चूंकि उसी से मिलता है ना, उस पर भरोसा करने के कारण ये स्थिति हो रहा है। इसलिए हम कहेंगे ये सब अपना एजेंट सिक किए हुए, उन लोगों के ऑफिस में भी मैनेज किए हुए हैं कि बाहरी लोगों को जो आता है सही बात बताने उसको मिलने नहीं देना है, समय नहीं देना है, ये सब धंधा है ना, तो इसे हम बात करेंगे, जा भी रहे हैं, अब कहेंगे भी, लिख के भी भेजा है। यही नहीं आपको बता दें 1967 में पार्टी 2 पार्ट में हुआ था, संगठन और रूलिंग कांग्रेस पार्टी, और उस समय से आज 53 साल हो गया, 53 साल में राजपूत एक बार भी अध्यक्ष नहीं बना, जबकि ब्राह्मण 8 बार बन गया, मुसलमान 8 बार बन गया, भूमिहार 3 बार बन गया, कुर्मी 3 बार बन गया, बनिया 3 बार बन गया, मुझे ना दलित 3 बार बन गया,
अभी तक जो अध्यक्ष बना 2000 के बाद से, सदानंद सिंह जब से हुआ उस समय से टिकट बेचना शुरू हुआ, बुझे ना, वो आज तक कंटिन्यू है। लेकिन ये सब आज तक नहीं, क्यों? हम लिख के भी पूछे हैं, पिछले ही साल लिख के पूछे थे कि क्यों हम चट बना के दिए थे। वहाँ दूसरे जात का एक कारण नहीं है, करनी सेना कौन कौन जो इसका विद्रोह करके कांग्रेस को मदद किया, और कांग्रेस को जब राजपूत मदद करता था मुस्लिम साथ होते हैं, दलित साथ होता है, इन लोगों का शुरू से, आज से नहीं, बिहार में भी यही ग्रुप था, लेकिन इसको बिखरा के लोग रख दिया है। क्यों समझ में नहीं आ रहा है हमको, ये नहीं बता। और इसलिए ये लड़ने का काम जो है, और इसलिए लालू प्रसाद जो है और ये चाल चलकर राजपूतों को अपने साथ वो करते जा रहा है कि टिकट दे रहा है अपने यहाँ, 3-4-5 दे दिया, कांग्रेस को नील कर दिया, ताकि बूथ पर और वोट लेने के लिए, लड़ने के लिए दूसरा जात उसके सामने आवे नहीं। तो ये सब पॉलिटिक्स समझेगा तब ना। धन्यवाद। ATN Live।